बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं शांत सलीम, इबकत हूँ, तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी। शुरू चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शुक्रिया। चाचू चान अपने खेत में ट्यूबवेल लगवाने लगे हैं, छोटा ट्यूबवेल, तो उसकी इंस्टॉलेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कैसे लगाया जाता है। छोटे पाइप वाला होगा ट्यूबवेल, छोटी बोर जिसे कहते हैं। तो अभी मशीनरी सब आ चुकी है और फिट कर दी गई है। ये वाले बड़े बड़े पाइप्स हैं जो कि भाई ज़मीन में नीचे को डाले गए हैं, और साथ में मशीन है जो पाइप्स को नीचे लेकर जा रही है और फिर घुमा घुमा कर नीचे से मिट्टी निकाल रही है और बोर हुई जा रही है ऑटोमेटिक ही। आगे ट्रैक्टर का ज़्यादातर काम है। अभी तो भाई साहब कितना ज़्यादा गंदा पानी निकल रहा है अंदर से ज़मीन से भी। आस्ता आस्ता जैसे बोर मुकम्मल होती जाएगी और पानी आस्ता आस्ता फिर साफ़ होता जाएगा, साफ शफाफ। अभी तो फुल मिट्टी और रेत इस पानी में मिक्स है और उस नाल के ज़रिए फुल पानी निकल रहा है। इस तरफ एक छोटा सा पूल बनाया गया है जिसमें पानी जमा हो रहा है। काफ़ी मेहनत का काम है, मज़दूर लोग सुबह के लगे हुए हैं, 3 से 4 मज़दूर हैं। एक अभी ऊपर चढ़ा हुआ है, उसकी ड्यूटी ऊपर ही है, उसने ऊपर ही पाइप के खड़े होना होता है हर वक्त। बार बार पाइप्स भी बदलने पड़ते हैं। पहले चाचू लोग नहरी पानी लगाते थे और ट्यूबवेल का पानी भी लगाते थे, वो काफ़ी दूर से लेकर आना पड़ता था ट्यूबवेल चलाकर। तो चाचू लोगों ने सोचा कि अपना एक छोटा सा ट्यूबवेल लगा लेते हैं जो चला लिया करेंगे और खुद अपनी फसलों को पानी लगा लिया, इससे बेहतर क्या बात होगी। 7 फसलें माशाल्लाह। विलेज में काफ़ी अच्छा ये वाला सिस्टम है छोटी ट्यूबवेल लगा लेने का। मेन कमाल तो ट्रैक्टर का है जो कि मशीनरी सारी चला रहा है। Later. अभी जी आस्ता आस्ता शाम होती जा रही है और अभी तक बोरिंग का सिस्टम जारी है बादल साइड पे, और हवा चलना भी हो गई है शुरू। भी एंड पे ही है काम, कुछ टाइम तक हो जाएगा मुकम्मल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, बोरिंग जो कि अभी जारी है। तो खैर आज का व्लॉग यहीं तक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।